आज दिनांक 8 अगस्त 2023 को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर के सभागार में जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम पूज्य श्री दिग्विजयनाथ जी स्मृति सभागार में उपस्थित हुए हैं। प्रयोजन हम लोगों का जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी आयोजित कराना है। जैसा कि विदित है कि यह प्रदर्शनी राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्देशित है और गोरखपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के संयोजकत्व में इस प्रदर्शनी को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर में यहां के प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में आयोजित कराई जा रही है। जनपद स्तरीय इस संगोष्ठी में मैं सर्वप्रथम निर्णायकों की भूमिका की स्पष्ट कर दूं। इसमें निर्णायक की भूमिका में श्रीमती प्रीति यादव जी हैं, जो कि डाइट गोरखपुर की भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता हैं। दूसरी जो निर्णायक हमारी हैं वो श्रीमती उमा श्रीवास्तव मैडम हैं। उमा श्रीवास्तव मैडम की विशिष्टता जीव विज्ञान विषय में रही है। आप अधीनस्थ राजपत्रित पद पर गोरखपुर जनपद में सुशोभित रही हैं और गोरखपुर जनपद की मंडलीय मनोवैज्ञानिक भी रही हैं, अभी सेवानिवृत्त हैं। तीसरे जो निर्णायक हमारे हैं वो रसायन विज्ञान के मर्मज्ञ श्री पीडी दुबे जी हैं, जो राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर के सेवानिवृत्त प्रवक्ता रहे। इस संगोष्ठी की जो रूपरेखा है उसको मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें जिले के प्रत्येक विद्यालय के कक्षा 8, 9 तथा 10 से प्रथम स्थान प्राप्त अर्थात कोई एक छात्र, कोई एक प्रतिभागी इस संगोष्ठी में प्रतिभाग कर सकता है। संगोष्ठी के उपरांत इस संगोष्ठी में जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे वे बच्चे, वे प्रतिभागी फिर मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे और वो जो मंडल स्तरीय संगोष्ठी होगी वो हम गोरखपुर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के संयोजकत्व में आयोजित कराई जाएगी। उसकी तिथि बाद में घोषित कर दी जाएगी। इस संगोष्ठी का जो मुख्य विषय निर्धारित किया गया है वो श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार, मिलेट्स सुपर फूड और डाइट फैड रखा गया है। ये जो 2023 का वर्ष है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के रूप में मनाया जा रहा है। इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता जो कि श्री अन्न एक मूल्य संवर्धित आहार या भ्रांति आहार है, इस टॉपिक पे जनपद से आए हुए सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मैं सौरभ यादव महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। पुराने समय में भारतीय लोगों का भोजन रहे मोटे अनाज सुपर फूड के नाम से जाने जाते थे। मोटे अनाज अत्यधिक पोषक अम्ल ग्लूटेन युक्त और आहार गुड़ों से युक्त होते थे। ये आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे खनिजों का अच्छा स्रोत है। मोटे अनाज वजन कम करने और उच्च रक्तचाप में भी मददगार होता है। आई एम ऋषभ यादव, स्टूडेंट ऑफ जुबली इंटर कॉलेज, standing here to say something about millets, a super diet, super food or a diet fad. Firstly, I would like to thank our respected principal sir, my respected teachers and everyone present here for giving me this opportunity to say something on this. As we all know that our country India and the whole world is celebrating this year as International Millet Year 2023. Over the last few years, a variety of diets have caught the attention of the people and are hence trending as a health-friendly food among the masses. Millets, which is also known as Sri Ann in India, was firstly used by our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi while addressing a public rally in Karnataka. This word Sri Ann means
श्री अन्न मीन्स दैवीय कृपा खाद्यान्न विच वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम श्री धान्या विच इज द वर्नैकुलर नेम ऑफ मिलेट यूज इन कर्नाटका इन अमृत काल बजट 2023 आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारमन अनाउंस टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट एंड टू मेक IIMR as a center of excellence. Hello everyone. Here, Shah Rukh Khan from MSI Inter College is here to present some few words for superfood or meals. Here, you have heard losing a weight is more about exercise and intensity by its done. But well, it is true, but mostly depends on diet. Physics कहता है कि कोई भी मशीनरी उतनी efficient मानी जाती है, उतनी दक्ष मानी जाती है, जितना वो output दे सकती है. शर्त यह है कि input कम से कम हो और output अधिक से अधिक हो. Input कम है, output अधिक है. Output और input का जो ratio है, वो उसकी efficiency को, दक्षता को प्रमाणित करता है. बात करें हम millets की, श्री अन्न की, तो ये जितने भी इस प्रकार के अन्न हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें लागत कम है और पौष्टिकता से ये भरपूर है. तो कम लागत में ही इतने पौष्टिक आहार हमें मिल जा रहे हैं जो हमें हमेशा के लिए स्वस्थ रख रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य सही रह रहा है. तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक वरदान है. और कर्नाटका में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिलेट्स को श्री धान्य कहा जाता है, जिस पर देवता की कृपा हो. ऐसा धान्य जिस पर देवता की कृपा हो. तो बाजरा या इस प्रकार के जो मोटे अन्न हैं जिन्हें हम मिलेट्स की श्रेणी में रखते हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में. तो उसी कड़ी में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और बच्चे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं. मैं आर्यन सहनी, मारवाड़ इंटर कॉलेज के कक्षा 9, मारवाड़ इंटर कॉलेज के गोरखपुर से. मैम, उसका अर्थ है सुपर फूड जो है, सब बोलते हैं कि यह गरीबों का भोजन है, इसी भावना. माननीय आयोजक महोदय डॉक्टर ज्ञानेश पांडे जी और हमारे सभी शिक्षक साथी, सभी छात्र जो यहाँ पर मिलेट की शैक्षिक संगोष्ठी में आए हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ कह रहे. जैसा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मिलेट्स एज सुपर फूड और डाइट फूड के रूप में मनाया जा रहा है. इसके पहले भी 4 या 5 वर्ष पहले भी यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में गए थे और वह चाहते थे कि कोई ऐसा अनाज ऐसा कि जिसकी मूल्य भी कम हो, जिसको हम आसानी से उगा भी सके और जो सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है. हम लोग सभी इंडियंस हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पहले जो होता है बाजरा, ज्वार, सावा, कुटकी, गुमकी और तमाम कोदो, इस तरह की चीज़ें हम लोग सुनते हैं कि हमारे दादी परदादी लोग खाया करते थे और खाने के बाद उस समय के लोगों का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता था. जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल क्लाइमेट, वातावरण भी बहुत बदल रहा है. कभी कहीं बहुत अधिक बाढ़ आ जा रही है जिससे कि हमारे खेती नष्ट हो जा रही है और कहीं बहुत अधिक सूखा पड़ जा रहा है. किसी फसल के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है तो किसी फसल के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है. तो मिलेट्स यानी यह एक ऐसा आहार है जिसके लिए हम कम पानी में भी इसको हम उगा सकते हैं. और मिलेट्स जो होता है इसमें सभी प्रकार के फूड न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं. जैसे एक होता है आपका निगेटिव ग्रेन वे ग्रेन होता है जिसको हम लगातार खाते रहें तो वो नुकसान करने लगता है. जैसे हमारा गेहूं है, चावल है, इसको अगर हम लगातार सेवन करने लगे तो ये धीरे धीरे नुकसान करने लगता है. दूसरा है न्यूट्रल गेन वे ग्रेन है जिसको हम खाते तो हैं और खाने के बाद न उससे बहुत फायदा होता है न नुकसान होता है, लेकिन हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, बॉडी के अंदर कोई भी विकार नहीं आते हैं,
जैसे बाजरा है, ज्वार है। तीसरा है पॉजिटिव ग्रेन। पॉजिटिव ग्रेन वे ग्रेन है जो कि जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी को उससे फायदा भी होता है। कोदो है, सावा है, रागी है, कुटकी है, ये सब जो चीजें होती हैं ये पॉजिटिव ग्रेन में आती हैं। और इसको खाने के बाद जो होता है हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। अब जैसे ये सावा है, रागी है, इन सबों में कैल्शियम बहुत अधिक होता है। खाने से जैसा कि वो बच्ची एडी वाली आई थी कि पूरा तौर पर नहीं लेकिन उसने एक पार्ट बताया था कि मोटे अनाज खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। और इसके बहुत सारे अलग अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसकी यूटिलिटी है। जो हमारा टॉपिक है मिलेट और सुपर फूड और डाइट फैट, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डाइट फैट होता क्या है या भ्रांति आहार है क्या। आज का प्रोग्राम हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, इन बच्चों के लिए बहुत ही मूल्यवर्धित प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल भारत अपने खान पान के तरीके में पुनः बदलाव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उस बदलाव में हमारे मिलेट्स बहुत उपयोगी भूमिका निभाएगा। जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मोटापे की, जो हमारे यहाँ सबसे दिक्कत हो रही है बच्चों के सोने की, जगने की व्यवस्था की, तो खान पान से ही निर्भर है। अगर जो हम खान पान पर ध्यान देंगे, पुराने अपने मिलेट्स से जुड़े हुए खाद्य पदार्थों का पुनः प्रयोग करेंगे, तो हमारे यहाँ जो मोटापा है, जो छोटे बच्चों में आप देखेंगे कि ग्लूकोज लेवल का डिस्टर्बेंस है, वो सब उसका जो है निदान हो जाएगा। मिलेट्स में हम बहुत सफल हो सकते हैं। हम तो छोटे बच्चे जब रहे हैं तो हमको मिलेट्स का, जब आप कोदो का हम बता रहे थे, अभी एग्जांपल दे रहे थे, अगर जो आप कोदो भूजिए और उसका लाई बना के बच्चों को खिलाइए, उसका स्वाद अगर जो बर्गर के स्वाद से अच्छा न लगे तो फिर मैं आपके सामने जो कहे वो आप कभी उनको खिलाइए, तो अभी वो कभी खाए ही नहीं। आप ज्वार का कभी उनको स्वामी का खीर खिलाइए, उसका भुजा खिलाइए, ज्वार का भुजा खिलाइए, और उसके बाद से उनके साथ जो है बर्गर कुछ खिलाइए, तब वो अगर जो उनको स्वाद दिया जाए। हमारे मिलेट्स के ही तरीके से तमाम कुकीज़ आप बताइए, उन कुकीज़ को बच्चों को खिलाइए, आप लोगों को जान के भी, अगर जो आप लोगों को इसका अंदाज़ा ना हो तो मैं फिर पुनः बताना चाह रहा हूँ, आप लुलू माल जाइए और लुलू माल में जब आप घूमने जाइएगा तो आप देखिएगा मिलेट्स के अलाट आपको कुछ ज़्यादा प्रेजेंट देगा, आप उसको आराम से खाइए। मैं न्यूज़ चैनल की न्यूज़ उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देता हूँ जो समय समय पर अपनी महत्वपूर्ण समय हमें देते हैं, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा इनका विचार है जो आज हमारे साथ ये साझा किए हैं। मैं इनका पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही अपने काम को करें, अपने समाज को आगे ले जाएं, अपने देश को आगे ले जाएं। धन्यवाद।